तो आज हम लोग यहाँ पर वन दरोगा में सेट नौ देखते हैं, ठीक है। ये सेट नौ है, टॉप 50 क्वेश्चंस हैं इसमें। चलिए पहला प्रश्न है कि हाथी मौत लेखा परीक्षा ढांचा पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है। ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी है केरल, सी तमिलनाडु या डी असम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है नंबर दो, उत्तर प्रदेश सरकार बर्ड फेस्टिवल कब मनाती है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, फरवरी के प्रथम सप्ताह में, या सितंबर के प्रथम सप्ताह में, या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में। तो उत्तर प्रदेश बर्ड फेस्टिवल मनाती है दिसंबर के प्रथम सप्ताह में। अगला तीसरा प्रश्न है कि प्राकृतिक प्रवास में बाघ की औसत आयु कितनी होती है। ए है 3 से 7 साल, बी है 15 से 20 साल, सी है 8 से 15 साल और डी है 25 से 30 साल। तो प्राकृतिक प्रवास में बाघ की औसत आयु होती है 8 से 15 साल, ठीक। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न है चौथा, भारत ने किस देश के साथ 100 चीता पर करार किया है। नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, अल्जीरिया या नाइजीरिया। तो 100 चीता हम लोग ले आएंगे दक्षिण अफ्रीका से, जिसमें से इस बार कितने चीते आए थे, 12 चीते आए थे फरवरी में। अगला प्रश्न है पाँचवा, कौन माइक स्थल नहीं है। चिरांग रिपु, गारो, नीलगिरी या मयूर झरना। तो माइक साइट्स हैं कुल मिला के भारत में कितनी, 10 है, 10 माइक साइट है। तो उसमें से आपको बताना है कि कौन सी इसमें से नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, मयूर झरना। मयूर झरना कहाँ है, पश्चिम बंगाल में ना। ये वो क्या है, माइक साइट मतलब कि हाथी रिजर्व क्षेत्र नहीं है। और चिरांग रिपु कहाँ, असम में है। गारो पता ही है, मेघालय में। और नीलगिरी कहाँ है, तमिलनाडु में। अगला छठा प्रश्न है, कस्तूरी मृग अपने आवास में निम्न में से किस में मिलता है। मानस, किशनपुर, अस्कोट या हेमिस। तो कश्मीरी मृग कहाँ मिलते हैं, अस्कोट में मिलते हैं। चलिए अगला सातवां प्रश्न है, इको सेंसिटिव जोन ESZ को किस वन्य जीव कार्य योजना में शामिल किया गया। ऑप्शन है इसका ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी या डी कोई नहीं। तो सातवें का आंसर हो जाएगा, इको सेंसिटिव जोन को किस में शामिल किया जाता है, किस वन्य जीव कार्य योजना में। ये प्रश्न है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरी वन्य जीव कार्य योजना में, ठीक है, दूसरी में शामिल किया जाता है इको सेंसिटिव जोन को। चलिए तीसरा प्रश्न है न कि आठवां प्रश्न है, कौन सा हाथी रिजर्व केरल में नहीं है। अनायमुदी, पेरियार, नेयार या मुक अंबिका। तो आठवें का आंसर क्या हो जाएगा, डी मुक अंबिका जो है ये हाथी रिजर्व ये केरल में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है नवा, हाथी मेरे साथी अभियान में कुल कितने एशियाई और अफ्रीकी देश शामिल हैं। 10, 8, 12 या 5। तो कुल मिला के 8 देश हैं, ठीक। तो नौवे का आंसर हो जाएगा बी वाला, कुल 8 देश शामिल हैं किसमें, हाथी मेरे साथी अभियान में। अगला है, हाथी मेरे साथी अभियान में कौन सा देश शामिल नहीं है। बोत्सवाना, इंडोनेशिया, श्रीलंका या नेपाल। तो इसमें नेपाल शामिल नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11वां, उत्तर प्रदेश में राज्य वन नीति कब घोषित की गई। 1998, 1995, 1999 या 2000 या 1980। तो 11 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ये वाला, 1998 में आती है उत्तर प्रदेश की राज्य वन नीति। 12वां है प्रश्न, किस राष्ट्रीय वन नीति में वाहन क्षमता के अनुसार जंगल में चराई की अनुमति दी गई। 1952, 1894 या 1988 या 2006। तो 1988 वाली जो वन नीति है इसमें वाहन क्षमता के आधार पर चराई की अनुमति दी गई। अगला प्रश्न है, इको सेंसिटिव जोन में कौन सी विनियमित गतिविधियां हैं। मतलब विनियमित का मतलब कि नियम बना करके आप उसको वो चालू हो सकती हैं। तो
इसका ए आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन है लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग, बी ऑप्शन है बागवानी पर था, सी है जैविक खेती, और डी है बिजली के तारों का उपयोग करना। तो इसमें जो ये लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग है ये तो आपका है प्रतिबंधित, ठीक है, और ये बागवानी प्रथा और जैविक खेती जो है ये तो अलाउ है, मतलब कि इसको आपको करना है, इसमें रोक नहीं है। 18 जो बिजली के तारों का उपयोग है ये है विनियमित, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का डी, विनियमित है आपका बिजली के तारों का उपयोग करना। 14वां प्रश्न है, कौन सा टाइगर रिजर्व बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है, बांधवगढ़, पन्ना, काजीरंगा या कान्हा। इसका आंसर हो जाएगा बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है कान्हा, कान्हा एमपी में है, काजीरंगा असम, पन्ना एमपी, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। अगला है 15वां प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने कब अनुपयोगी भूमि को सरकार की संपत्ति घोषित किया, 1828, 1856, 1867 या 1894। तो अनुपयोगी भूमि को सरकार की संपत्ति ब्रिटिश सरकार ने कब घोषित किया था, ये वाला 1828 में। अगला प्रश्न है, पशु अपराध अधिनियम कब आया, इसी को बोलते हैं पशु अत्याचार अधिनियम भी बोलते हैं। तो ये आ जाता है, ऑप्शन एक है 1851, बी है 1871, सी है 1921 और डी है 1951। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला 1871। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, कौन देहरादून वन विद्यालय के निदेशक कौन बने, ए है स्किच, बी है एल बेली और सी है डेट्रिच ब्रैंडिस और डी है एल मार्गन। तो देहरादून वन विद्यालय के निदेशक, प्रथम निदेशक कौन थे ये पूछा जा रहा है, प्रथम निदेशक, ठीक है, तो प्रथम पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17वें का बी वाला एल बैनी, प्रथम निदेशक बने थे एल बैनी। अगला 18वां है, वन विद्यालय का नाम कब इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल पड़ा, 1884, 1887 या 1906 या 1952। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, 18 का आंसर हो जाएगा ए वाला, 18 का आंसर वन विद्यालय का नाम कब इम्पीरियल फॉरेस्ट पड़ा, 1884 में। चलिए 19वां है, भारत के प्रथम प्रमुख वन संरक्षक कौन बने, स्मिथ, रूथर, स्किच या सिलर। तो प्रथम मुख्य वन संरक्षक कौन बने, इसका आंसर हो जाएगा बी वाला रूथर। अगला है, वन का प्रांतीय सूची का विषय बना, 1919, 1921, 1927 या 1935। तो वन का प्रांतीय सूची के विषय बनते हैं 1921 में। अगला 21वां प्रश्न है, चैंपियन और सेठ ने कब भारत के वनों को 16 वन प्रकारों में वर्गीकृत किया है, 1966, 1976, 1970 या 1982। तो इन्होंने कब भारत को 16 वर्गों में बांटा, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ई वाला 1966 में। अगला प्रश्न है 22वां, प्रथम राज्य जिसने सामाजिक वानिकी की शुरुआत की, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो 22 का आंसर हो जाएगा डी गुजरात। अगला प्रश्न है 23वां, भारत वन्यजीव संस्थान देहरादून में कब खुला, भारत वन्यजीव संस्थान देहरादून में कब खुला, ये ऑप्शन है 1970, 1980 या 1982 या 1995। तो 23वें का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी वाला 1982 में, ठीक है, 23 का आंसर सी। अगला प्रश्न है 24वां, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ है, नई दिल्ली, देहरादून, भोपाल या रांची। तो 24 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी वाला, देहरादून में है। अगला 25वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ है। तो ए ऑप्शन है देहरादून, बी है नई दिल्ली, सी है जयपुर और डी है शिमला। तो 25 का आंसर हो जाएगा ई वाला देहरादून। अगला 26वां प्रश्न है, सारस या साइबेरियन क्रेन परियोजना कब शुरू हुई, 1990, 1992, 1995 या 1999। तो 26 का आंसर हो जाएगा सी वाला 1995। इसके बाद 26 के बाद 27वां प्रश्न है कि वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन कब हुआ, 2006, 2007, 2005 या 2010। तो 27 का आंसर हो जाएगा बी वाला 2006, 2007 में। अच्छा
28वां प्रश्न है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, MP या गुजरात? तो 28 का आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। अगला 29वां प्रश्न है कि हाल ही में पश्चिमी घाट में खोजे गए एक मेढक का नाम किस आदिवासी समुदाय के नाम पर रखा गया है? ए है डोंगरिया कोत, बी है कुरिचिया, सी है संथाल और डी है बैगा। तो 29 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 29 का आंसर हो जाएगा बी वाला, कुरुचिया, कुरुचिया। अगला है 30वां प्रश्न है, किसने अपिको आंदोलन शुरू किया? बाबा आमटे, मेधा पाटेकर, पांडुरंग हेंगड़े या वंदना शिवा? तो 30 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी वाला, पांडुरंग हेगड़े। अगला है 31वां प्रश्न, भारतीय वन अधिनियम 1927 में कुल कितनी धाराएं हैं? ए 66, बी 86 और सी 42 या डी 7। तो भारतीय वन अधिनियम जो 1927 वाला है, इसमें कुल कितनी धाराएं हैं ये पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, 86 धाराएं हैं इसमें, 86। अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न है, भारत में वैश्विक वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 3%, 4%, 2%, 1%, मतलब कि कुल विश्व के कितने परसेंट वन भारत में है? तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का सी वाला, 2% वन भारत में है। अगला प्रश्न है, एस्चुरी और समुद्र एक दूसरे से मिलते हैं, यह किस प्रकार का प्रभाव है? कोर प्रभाव या संपूर्ण प्रभाव या ट्रांसफॉर्मेशन या इको स्पेस? तो 33 का आंसर हो जाएगा ई वाला, कोर प्रभाव। अगला 34वां प्रश्न है, वह कौन से वन हैं जिनमें पत्तों के झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग होता है? टैंगा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, पर्णपाती वन या मरुस्थली वन? तो 34 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी वाला, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला 35वां प्रश्न है, किसका प्रयोग मच्छर भगाने में होता है? कांग्रेस घास, एलिफेंटा घास, लामेंट या लेमन ग्रास? तो 35 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी वाला, लेमन ग्रास का उपयोग करते हैं मच्छर भगाने में, लेमन ग्रास का। अगला 36वां प्रश्न है, पारिस्थितिक निकेत को प्रभावित करने वाला कारक कौन नहीं है? ए है संख्या का घनत्व, बी है प्रजाति का क्षेत्र, सी है मृदा की उर्वरता और डी है जलवायु परिवर्तन। तो 36 का आंसर हो जाएगा डी वाला, जलवायु परिवर्तन। अगला प्रश्न है 37, दुनिया का सबसे बड़ा भूमि बायोम किसे कहते हैं? ए है समशीतोष्ण वर्षा वन, बी है उष्णकटिबंधीय वन और सी है वोरियल वन और डी है शांत पर्णपाती वन। तो 37 का आंसर हो जाएगा सी वाला, वोरियल वन। अगला 38वां प्रश्न है, चिनार वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या केरल? तो चिनार वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? 38 का आंसर हो जाएगा डी, केरल, 38 का डी। फिर देखिए 39, कौन सा पौधा आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है? गेहूँ, धान, मटर या मक्का? तो 39 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी वाला, धान। अगला है 40वां प्रश्न है, डॉल्फिन प्रोजेक्ट कब का है? 2005, 2009, 2002 या 2010? तो 40 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी वाला, मतलब 2009 का। अगला है, ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई किस ऋतु में होती है? बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु? तो 41 का आंसर हो जाएगा ई वाला, बसंत ऋतु में। अगला प्रश्न है 42, सर्वप्रथम वृहद पारिस्थितिकी मतलब डीप इकोलॉजी शब्द किसने दिया? अर्नेस नेस ने या जोसेफ ग्रीनले ने, टाउनसले ने या फॉरमैन ने? तो 42 का आंसर हो जाएगा ये वाला, अर्नेस नेस ने। अगला 43 है, एशिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किसने चलाई? जापान, चीन, भारत या दक्षिण कोरिया? तो एशिया में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाई है चीन ने। अगला प्रश्न है 44, विश्व में प्रथम हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कहाँ चली? अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड या फ्रांस? तो 44 का आंसर हो जाएगा डी वाला, कहाँ चली? फ्रांस में। अगला है 45वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल कहाँ है? गोरखपुर, सुल्तानपुर, झांसी, मथुरा? तो रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश में कहाँ है? रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर में। अगला
लक्ष्मी ताल कहाँ है? अयोध्या, आगरा, झांसी या मथुरा? तो 46 का आंसर हो जाएगा सी वाला, झांसी में है। अगला प्रश्न है 47। ब्लैक राइनो के लिए वन्य जीव अभयारण बॉन्ड किसने जारी किया? विश्व बैंक, IMF, IOCN या RBI ने? तो 47 का आंसर हो जाएगा ए, विश्व बैंक ने। अगला प्रश्न है, टैक्सोस का प्रयोग किसके उपचार में होता है? लकवा, रक्तचाप, मधुमेह या कैंसर? टैक्सोस का प्रयोग करना, टेक्सास, टेक्सास एक पेड़ होता है, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग कैंसर में। अगला 49, पोषण का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? पोषण का राष्ट्रीय संस्थान मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ए मैसूर, बी दिल्ली, सी हैदराबाद या डी वायनाड? तो 49 का आंसर हो जाएगा सी वाला, हैदराबाद। 50वां प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी कहाँ है? पुणे, जबलपुर, नैनीताल या जयपुर? तो 50 का आंसर हो जाएगा ए, पुणे में। चलिए ओके, थैंक यू। कैसे प्रश्न थे कमेंट में बताइएगा, और जिन लोग को PDF चाहिए वो लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8009711828 पर, और या तो फिर टेलीग्राम से जुड़ जाए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए अगला, ओके, थैंक यू।